ध्यान से उधर शरारत नहीं करनी। हाँ ठीक है, क्योंकि इतनी देर बाद मैं मम्मा से कहीं दूर जा रही हूँ। बाय। हम लोग हैं लौड़ी हैं लौड़ी, और हम कराची मोल हैं। इतना बड़ा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने करियर के साथ साथ बहुत मजा आया। आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि मैं इंटरव्यू दे दिया, फाइनली मैंने इंटरव्यू दे दिया। मम्मा ने कहा था कि मेरा ख्याल रखना है, अपना बैग ऊपर भूलिए कैसे। मम्मा ने तुम्हें कहा था मेरा ख्याल रखना। आज आप लोग देख रहे होंगे मैं इतनी सुबह सुबह तैयार हूँ, क्योंकि अभी पता है क्या टाइम हो रहा है, लाइक 9 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना आज, एकदम से अर्जेंट प्लान बना कराची जाने का, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि हमारा एक शूट है मेरा और हिरापी का, तो मैं और हिरापी जा रहे हैं कराची। ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा शॉक्ड हो रहे होंगे एकदम से कहाँ, तो बस हम लोग जा रहे हैं ठीक है। अब भी बस हमारी 10 बजे फ्लाइट है और मैं और बस हिरापी रेडी हो गए हैं और अब जा रहा हूँ। मैं इतनी नींद हूँ ना कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो मैं कुछ इस तरह के कपड़े पहने हैं ठीक है, कि फ्लाइट से मेरे ख्याल से ऐसे ही पहनते हैं इजी से। मैंने अपना बैग भी एक रेडी किया, आप लोगों को बैग में दिखाता हूँ मैंने क्या क्या रखा है। और ऐसे मैंने ये बैग अपना रखा है, इसके अंदर मैंने परफ्यूम्स वगैरह रखे हैं, मेकअप रखा है और ये कैप्स रखी हैं, क्योंकि राबिया को सिर्फ यही चीज़ों की जरूरत है, बाकी मेकअप वगैरह। और हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं कराची, वो बहुत एक्साइटेड चीज़ है, आप लोगों को भी अभी तक नहीं पता, तो आप लोगों को बाद में बताऊंगी मैं। और वैसे मैं अपने टैडीज को बाय बोल रही हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रहती। बाय मेरा प्यारा टैडू, बाय बाय। वो बाय नहीं बोल रहा। साथ में अपने छोटा वाला ले जाती हूँ, ताकि ना मुझे थोड़ा सहारा रहे। वो कहाँ से छोटा वाला? और कैसे नीचे जी, इसको मैं साथ ले जाऊंगी ताकि मुझे थोड़ा सहारा तो रहे। हेलो। और कैसे इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे सामान के ऊपर, कि ये भी हमारे साथ जाएगी। चलो बैठ जाइए। हीरा पे देखते हैं, उसे डांटना तो उससे पहले कि वो ना देखे, मैंने पहले सामान के ऊपर रख दिया। ओके, तो पापा इधर सामान रखने के लिए हाँ। ये मैं अपनी डॉल साथ लेके जा रही हूँ। जहाँ रापे जाती है उसके टॉयज उसके साथ जाते हैं। वो इसकी तो ली नहीं, लेकिन इसको कोई बात नहीं, मैं आंटी दिला देंगे। ओके, हीरा पे फुल तैयार हो गया ट्रैक सूट पहनकर। क्या ऐसे रेडी हुई जैसे आपका शूट है कोई? और ऊपर से बाल क्यों शेड करने वाला कि रेडी नहीं होना यार? मैं ना रात को ऐसे ही सो गई थी, तो बाल हल्के हल्के टेढ़े हो गए। मैं भी वैसे तैयार तो हो गई, लेकिन मैं तो ज्यादा नेचुरली बाल रखती हूँ, ऐसे ही वो कुकम्बर से बाल। मैं भी ऐसे रख रही हूं। और गाइस हम लोग जा रहे हैं, मैंने अपनी कैप लुक करी है, मम्मी को हम लोग बाय बोलेंगे। बाय मम्मी, बड़ा अच्छा लग रहा है। ध्यान से उधर शेयर तो नहीं करनी। हाँ ठीक है, क्योंकि इतनी देर बाद मैं मम्मा से कहीं दूर जा रही हूँ, मम्मा को मिस करूंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चल जहाँ चले यार। यार जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, पापा ऐसी गाड़ी चलाते हैं धीमी धीमी, और अब देखो पापा फरारी की तरह गाड़ी चला रहे हैं, जैसे फुल गेम खेल रहे हैं कोई। अब पापा जी जब यूनिवर्सिटी जाते तब भी तेज चलाया करे ना, तब तो यूनिवर्सिटी पास हो, तब पापा क्या करते हैं सो रहे होते साथ साथ चला रहे हैं। मुझे इतना दुखी होता है ना, मगर तेज चलाए मैं लेट हो रही हूँ, अंदर से बता भी नहीं सकती हूँ पापा में। और मैं ना फिर कहती भी नहीं हूँ कि लेट हो रही हूँ, मुझे पता ऊपर से डांट पड़नी होती है फिर मुझे पापा से। मैं ना यूँ हो रही होती हूँ। और सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। पापा हमें समझाते हुए कि आपने यहाँ रवानगी अंदरूनी है, यहाँ से जाना है, और अब वक्त होता है जुदाई का बाप बेटियों के। हिरापिया के थम 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 करती जा रही है, और आज की मेरी सरबरा जो है ना वो हिरापिया, मेरी गार्डियन, मेरा ख्याल रखो मम्मा ने कहा है। अच्छा कैमरा बंद कर दो, डांटते और ना हो। ये भी हमारे साथ ऐसे जा रही है। ओ बाय, इससे जगह ऑपरेशन हो रहा है। बाय। ठीक है, दबा दिया उन्होंने। ओके, यहाँ सब डिफरेंट लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं। क्या और ये कह रही है मेरी ऐसी पिक्चर लो, ले देती हूँ ठीक है। लेकिन फिर बदले मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी भी कुछ इसी टाइप की, मैं भी रेफरेंस दे दूँ, मेरा भी वैसा फातिमा ने ली थी। मैं आपकी लेती हूँ, मैं आपकी लेती हूँ ठीक है। लोग जा रहे हैं, वो हमारा प्लेन है, हमारा रेड कलर का प्लेन है। ओके यार, तो हम लोग तब से रॉन्ग जगह पे बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं हमने जाना कहाँ पे। एक दो मम्मा ने कहा ना, दो इनाड़ी खिलाड़ी एक साथ आ रहे हैं। ओके गाइस, फाइनली आसमान में हम लोग ऊंचाई देख रहे हैं। यहाँ पे कहा था ना एक दिन आप ऊंचाइयों पे जाओगे, तो हम ऊंचाइयों में खेल रही है।
फाइनली हम लोग कराची पहुंच गए, तो यहाँ जितने भी कराची के लोग है सबको हाय। हमारे जितने भी कराची के फैन थे उनको हाय बोलो, हेलो कराची फैन। और अब हम भी कराची के लोग बन गए, कराची आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा ये है कराची। ये कराची की बस है और ये कराची की हम लोग हैं लोड़ी हैं लोड़ी और हम कराची बोलेंगे। अब देखते हैं व्हेन लाहौर इज कम टू कराची तो क्या होता है। मैंने यहाँ से ली थी अपने साथ लेके जा रही हूँ, ये मैंने ली थी रखा आपने दो पकड़े थे, मैंने छुपा ली थी यहाँ पे, चूरन नहीं रखा तो मैं ये रख लिया ये खाऊंगी। सब जो लाइंस में ऐसे खड़े हैं जैसे कोई चीज़ बांटी जा रही है और सब लाइंस में खड़े हैं, ये नहीं उठ रही क्यों, क्योंकि इस लड़की ने पिक्चर्स नहीं लाई अच्छी नहीं आ रही तो कर दी क्योंकि तो यार वो मेरा मुंह पे काला था वैसे, इसके भी पिक्चर्स में लो मेरे साथ। हम अभी सनस्क्रीन लगाने लगे, वो मुझे भी ये लगाती है तभी कहूँ वाइट है ये, मेरे भी दो सनस्क्रीन लगा रही हूँ पर धूप गर्मी देखो कितनी लो, मैं भी लगाऊँ। गाइस फाइनली मूवीज की तरह हम लोग यहाँ पे लैंड कर चुके हैं, मज़ा आ रहा है। मेरा ड्रीम था कि वो ना मूवीज में जैसे प्राइवेट जेट से उतरते हैं, बट ये प्राइवेट जेट तो नहीं है बट फिर भी ये इतना बड़ा होता प्लेन। चलो यार बस पे चढ़ो। मैंने कहा था टर्मिनल पर पिक्चर्स लेके, टर्मिनल से गुजारा ही नहीं होने का, बस में बैठो घर जाओ। ये क्या पिक्चर्स अब वापसी पे लेंगे। कहते मेरा ना एक ना सपना था मुझे, मैं भाग भाग के बस में चढ़ना ही देखा हाथ चढ़ूंगी, कहते मुझे चढ़ने से पहले भाई ये बस एक चढ़ने को। और ऐसा फाइनली जो हमारे ड्राइवर अंकल हैं वो ये ड्राइवर अंकल ये पिक करने आया हमें, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट शो पर क्योंकि हमें रेस्ट का मौका नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट जाके काम करेंगे उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो जो शो है वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, क्या होगा वो आप लोग एक्साइटेड होंगे ऑब्वियसली, कौन सा शो है कहाँ जा रहा है एकदम से कराची, तो वो आपको हम जाकर ही बताएंगे, आप लोग देखते रहें साथ साथ ब्लॉग। यहाँ पर मैंने हिसाब लगाया, मैं जैसे कराची है ना मेरे मुँह पर खूबसूरती आ गई है, पता नहीं कि अजीब सी खूबसूरती आ गई है। तो ये हैं जो हमारे ड्राइवर अंकल और ये अब हमें लेकर जाएंगे शो पर, और रात पे आते साथ फ़ोन में लग गई है, कोई और काम नहीं है इसको, घर पे भी फ़ोन में यहाँ पे फ़ोन में, मैं देखो कितना इन्जॉयमेंट करी लेकिन भाई फ़ोन में ही ऐसे लग गई हूँ। ओके सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तो चलो। ओके तो अभी रात पे को पानी चाहिए इसको, मैं देखा कैच नहीं वन और थोड़ी ऊँची थ्रो करवाना। ओह ओह अच्छी करवाई है मैंने, है ना अच्छा पकड़ा है मैंने, मैं कैच करवाने में अच्छी हूँ। और गाइस यहाँ पे मेरे कपड़े प्रेस हो रहे हैं, हेलो अंकल हाँ नीचे से जल ना जाए कभी और ये पूरा स्टूडियो यहाँ पे हमारा मेकअप वगैरह होगा, यहाँ पे वॉशरूम गई और मैं लेट कर रेस्ट कर रही हूँ, मेकअप वगैरह होगा फिर हमारा जो इंटरव्यू है जो शो है वो स्टार्ट होगा। तो यस और सो फाइनली मैं नीचे से उठ गई। क्या कह रहे हैं आपने, ये सारा एक बार मतलब आपके मेकअप का कमाल है ऐसे कुछ नहीं है, तारीफ की है। नहीं अभी देखा मेरा जो मेकअप होकर मैं इससे भी ज्यादा आएगी, हाँ वो बोला जब मैं तैयार होके आऊंगे ना सब देखते रह जाएंगे। हाँ 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 नाइस जोक। और गाइस सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ शो के लिए एंड दिस इज माई फाइनल लुक, ये मेरा हेयर स्टाइल है और अभी मैंने इयर रिंग्स पहने तो वो उसका टच देते हैं, और अभी हिराप्पे का शो हो रहा है और मैं ऊपर वेट कर रही हूँ नेक्स्ट मेरा होगा। हाय गाइस इट्स मी राधा फैसल एंड आई हैड सो मच फन देयर, क्योंकि आप सबने इतनी रिक्वेस्ट की थी तो वो गेस्ट आज हमारे साथ है। मेकअप एवरीबॉडी इट्स मी नाज़ा, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गर्ल्स ओनली। आज का एपिसोड होने वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने करियर के साथ साथ क्योंकि सोशल मीडिया इज अ कंप्लीट करियर नाउ, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से बाहर चला गया, मैंने कहा थैंक यू सर, बट अभी भी वो ऐसे बोलते रहते हैं ख्याल आते हैं ऐसा, मतलब एक दो दफा ऐसा होता है कि बस मैं कहती हूँ एक दिन छुट्टी चाहिए, मैं अजीब सा वो गेट आता है यार एंग्जाइटी होती है फोन पकड़ के देखना फिर देखना फिर हाँ मैंने ब्लैक ड्रेस पहन लिया और मेरे सर पर मच्छर और पाँव मेरा गोबर में चला गया, क्यों चैनल बना के लेती हूँ उनका क्या रिएक्शन है, पहले उनको कुछ इतना पता नहीं था बट जब उनको उन्होंने देखा तो वगैरह। तो अभी हमारा हाफ इंटरव्यू हो गया अभी, तो अभी यहाँ पे सब सेट वेट हो रहा है, बेस्ट ऑफ लक हमारा गेम सेगमेंट हो रहा है, तो आप लोग ये मेरी इंटरव्यू देखना उसमें आप लोग देखना कि हम कैसे करेंगे। और फाइनली मेरा हो गया, बहुत मज़ा आया, आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है ना कि मैं इंटरव्यू दे दिया, फाइनली मैंने इंटरव्यू दे दिया और मैंने सब कुछ उसमें बताया, बड़ा मज़ा आया, आप लोग ज़रूर देखना और जब आएगा मैं आप लोगों को बता भी दूंगी जब आया। हाँ और मेकअप बहुत अच्छा किया इन्होंने, मेरा ज़्यादा अच्छा किया, बस 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 मैं हिराप्पे आपका भी मेरे जैसे कष्ट हुआ है ना आपका भी, तो गाइस ने अपनी बहन को थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा मिस किया। ओह ड्यूटी बार बार मैं पूछी थी कब फ्री होके आएगी, मैंने कहा हम सब एक दूसरे शेयर करते हैं बातें, उन्होंने कहा कि नहीं आपकी एक बहन सीक्रेट रखती है, मैंने कहा
मैंने कहा हाँ वो थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है. मुझे खुद पता नहीं सीक्रेट रखे उनको बता के आई हुई है बदतमीज. अब हम लोग जा रहे हैं होटल रेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा होटल को एक्सप्लोर भी करेंगे तो मजा आएगा. तो चलो लो. लेकिन बहुत मजा आया आज मुझे. तो हमने कराची कैसा लगा आपको बताओ जरा. कराची अच्छा लगा लेकिन काफ़ी शोर गुल है यहाँ पर. यहाँ पे रश बहुत है. अच्छा रश एरिया पोल्यूटेड एरिया बहुत ज़्यादा. आपको पता नहीं चल रहा आंधी है या फिर पेट्रोल का धुआं है. अरे करना क्या चाहते हो. कहती आंधी बहुत ज़्यादा पेट्रोल बहुत ज़्यादा. लेकिन यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा कैसे है. अरे पोल्यूशन की बात करिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा है. पेट्रोल अभी से खुद बोल रहा है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा है. पेट्रोल की उसका पिक्चर बनवाते हुए और ये स्टिल शॉट्स हो रहे हैं. ओके अंकल बाय बाय. ओके अंकल बाय. और आप तो अभी साथ जा रहे हैं. ओए गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं. किधर जा रहे हैं हम लोग. जा रहे हैं अब घरों को. नहीं नहीं घर घर तो है ही नहीं. मेरा तो घर ही नहीं. हम तो इस कराची में. मुझे ना पता है शो करी मुझे हम कराची में. तो गाइस आप लोगों ने शो देख रहे हैं. मैं बड़ा खुश होंगी जो आप लोग मेरा शो देखोगे. ठीक है. हम दोनों अलग अलग हैं. अलग अलग हैं. मैंने जिंदगी में मेरा शो देखना है ना. आपने आपने मुझे नीचे टैग करना है मेरे यूट्यूब चैनल. हाँ ठीक है. मुझे भी और मुझे ना स्टोरीज पे टैग करना है देख देख के. ठीक है. और ना क्या कहते हैं मेरी जिंदगी में पहला ये वाला अकेला इंटरव्यू. तो मैं बड़ा खुश हुई हूँ. अकेला अकेला मतलब एक रिकॉग्नाइज थिंग. हाँ फिर आप यहाँ मुझे कॉल क्यों कर रही हो. ये क्या हरकत है. मुझे कॉल करती जा रही है ये लड़की. गलती से हो गई है. ओके तो इस अक्कल से पैदल लड़की ने जिसको अम्मा ने कहा था कि मेरा ख्याल रखना है अपना बैग ऊपर भूलाइए कैसे. मम्मा ने तुम्हें कहा था मेरा ख्याल रखना है. मम्मा ने कहा था राबे मेरी छोटी बेटी है उसका ख्याल रखना है. क्या बताओ. मम्मा ने ये नहीं कहा था कि हीरा के पर्स टाइप है या बड़ा है. नहीं नहीं बड़ा ऊपर भूलाइए. अब अंकल है. अंकल व्हाइट से कलर का. अंकल इसको ना दे. अंकल ना दे. आप भी जाए. अंकल हम खुद गाड़ी चला लेंगे. अंकल वो गाड़ी चला. मैं ना तुम्हारा मुंह चलाती हूं. अंकल चलानी आती है गाड़ी. चलानी तो आती है लेकिन कराची में नहीं. कराची कराची में नहीं आती. ये आता हूं इसे. ओके अंकल मिल गया बैग. थैंक यू अंकल बाय. ये लो जी. ये लो जी अपना बैग पकड़ो और फारिग हो. और मैं लगी सोने. ओके सो राबिया आई है अपनी फ्रेंड्स के घर और यहाँ पे इसको मिले हैं. राबिया की जिंदगी में सबसे बड़ी जो फैंस होंगी ना वो राबिया को आज मिली है. हाँ. मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ. कहाँ है फैन. मैंने थप्पड़ लगाए ना तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है दोनों ही. वो मेरी भी फैन है. और ये हमारे पास आई है स्पोर्ट्स गर्ल. ठीक है. एंड थोड़ा सा देखती हूँ. मेरा नाम पता क्या है. ज्यादा देखिए. मेरा नाम पता क्या है. चलो आप पिक्चर्स लेते हैं. ठीक है. और गाइस फाइनली यहाँ से भी हम लोग फ्री हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली किधर. होटल रेस्ट करेंगे. और जाकर मैंने सिर्फ अपना स्विच है वो ऑफ करना है और मैंने सो जाना है डेडली. और गाइस फाइनली हम होटल में आ गए. अब जाकर हम सोएंगे. अभी इस ब्लॉग को बाय बोल दो. सो होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा. सो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें. लव यू.